एवरीवन वेलकम टू MS व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट फाइन एंड हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइज बुक फेयर का व्लॉग मेरा थोड़ा लेट आया है अभी यूट्यूब चैनल पे, इस पर अभी इसी चैनल पे आप लोग वॉच कीजिए। एंड अभी मेरे गुजरात ट्रिप के व्लॉग्स चले थे तो इस वजह से ये व्लॉग थोड़ा लेट हो गया है। तो आप लोग वॉच कीजिए मेरा ये वाला व्लॉग, इन्जॉय कीजिए बुक फेयर व्लॉग, क्योंकि ये बन तो पहले ही गया था बट डल नहीं पाया चैनल पे, तो अब मैं इसको डाल रही हूँ। तो एंजॉय कीजिए आप लोग एंड फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। न्यू शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियो जितनी भी मैं डालती हूँ चैनल पे आप लोगों को इजीली मिल जाए, सामने आ जाएंगी, सजेशन में आ जाएंगी बिल्कुल। तो आप लोग बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करते रहिए, अच्छे अच्छे वीडियोस मैं दिखाती रहूँगी आपको, वॉच करते रहिए, इंजॉय करती रहिए। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे ब्लॉग में और दिखाते हैं आपको अच्छी अच्छी बुक्स एंड पूरा विजिट कराती हूँ मैं आपको। बुक फेयर दिल्ली का बुक फेयर है तो चलिए एंजॉय करते रहिए मनोरमा सौरोत व्लॉग्स MS व्लॉग्स। हेलो एवरीवन वेलकम टू MS व्लॉग्स, मनोरमा सौरोत व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं आज मैं आपको कहाँ लेकर आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपको वर्ल्ड फेमस बुक फेयर, वर्ल्ड बुक फेयर में अगर हिंदी में बोलें तो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला। तो बहुत ही बड़ा पुस्तक मेला है ये दिल्ली में, लगता है हमारे यहाँ पे 25 से लेके 5 मार्च तक लगता है। आप लोग यहाँ पे आइए, देखिए आज वैसे कल लास्ट डे है, आज सैटरडे है तो कल है लास्ट डे इसका। और यहाँ पे सभी तरह की बुक्स अवेलेबल हैं, सारी बुक मिलेंगी आप लोगों को यहाँ पर। अभी एक दिन है, आप लोग विज़िट कर सकते हैं यहाँ पर। और इसकी एंट्री जो है वो है गेट नंबर 10 से। नियर बाय जो स्टेशन है मेट्रो स्टेशन इसका है सुप्रीम कोर्ट का, आप सुप्रीम कोर्ट के मेट्रो स्टेशन पे आएंगे, जैसे ही वहाँ से बस थोड़ा सा पैदल का ही रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है बस। चलिए अब एंट्री करते हैं अंदर बुक फेयर के अंदर। एंड इसकी जो टिकट है बता देती हूँ, 10 साल तक के बच्चों की तो है 10 रुपये और उसके बाद 20 रुपये, 10 एंड 20 बहुत ज़्यादा नहीं है। और आइए सभी तरह की बुक यहाँ से परचेज़ कीजिए, सभी तरह की मिल जाएंगी। चलिए आपको लेकर चलते हैं आज वर्ल्ड बुक फेयर में, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में विज़िट कराते हैं, एक्सप्लोर कराते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। चैनल पर अगर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी सारी अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएँ, वीडियोज़ मिल जाएँ सारी। तो चलिए अंदर चलते हैं एंट्री, यहाँ से होगी एंट्री गेट नंबर 10 से। देखिए हल्की सी लाइन लग रही है थोड़ी बहुत, टिकट ले लिए, देखिए 20 रुपये की है, 20 रुपीज़ में आती हूँ। चलिए एंट्री कर लेते हैं गेट नंबर 10 से। फ्री सेवा है ये, ये इस तरह की आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी बुक फेयर के अंदर। जो भी प्रॉब्लम है, जिनको पैरों की दिक्कत है तो इसमें बैठ के आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ये फ्री है बिल्कुल, फ्री सुविधा है ये, कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है बुक फेयर के अंदर। फोटो एंड वीडियोस का देखिए, लड़के लड़कियों को एकदम गहरा वाला नशा है वीडियोस एंड फोटोज का। देखिए मैं बनाती हूँ चैनल के लिए, कुछ फ़ायदा होता है, फालतू में नहीं बनाती, एंजॉय भी हो जाता है। तो गाइज फाइनली एंट्री कर दी है बुक फेयर के अंदर, वर्ल्ड बुक फेयर के अंदर। और जो ये जो गाड़ियाँ हैं ये फ्री सुविधा है, और जिनको प्रॉब्लम होती है, दिक्कतें आती हैं थोड़ी बहुत चलने में,
तो इसमें बैठ के आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं यहाँ पे। तो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फैमिली, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, देखिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे खाली रील्स वीडियो इंजॉय करते हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो तो कीजिए। आप इंस्टाग्राम पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फॉलोअर्स बहुत ही कम है, एंड फेसबुक पे सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल पर भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप लोग, यूट्यूब पर भी नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ जाइए, चैनल को विज़िट कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए मनोरमा सौरथ व्लॉग्स, एंड इंस्टाग्राम आईडी मनोरमा सौरथ। तो सपोर्ट कीजिए यूट्यूब पर भी मेरे को, मनोरमा सौरथ को, और दिल से तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों को, काफ़ी सपोर्ट करते हैं आप रील्स वीडियो में मुझे, और काफ़ी प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। दिल से धन्यवाद मेरी तरफ से, मनोरमा सौरभ की तरफ से। चलिए आपको लेके चलते हैं अब अंदर हॉल में और दिखाते हैं आपको बुक्स, तरह तरह की अच्छी अच्छी बुक्स। जो लोग बुक्स के शौकीन हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा होने वाला है ये ब्लॉग। तो गाइज अभी लेके चल रही हूँ मैं आपको हॉल नंबर 2, 5 एंड 4, देखते हैं इन वाले हॉल में कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है। चलिए एक्सप्लोर कराते हैं आपको 2, 5 एंड 4। अभी ये मिल जाएंगी बुक्स आपको, बायोडाइवर्सिटी एंड फूड सिक्योरिटी, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, आप लोग देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। इन्हें अगर जानना है तो पूरी यहाँ पर बुक है, मोदी कॉमन मैन, ये देखिए पूरी बुक है। सक्सेस एंड इंडिया, इसमें पूरा आपको बायोग्राफी मिल जाएगी मोदी जी की। कारगिल का जब युद्ध हुआ था उस टाइम पे, तो ये पूरी बुक छपी है, देखिए पूरा लिखा हुआ है इसमें सब कुछ रिलेटेड, एंड IITC से रिलेटेड बुक्स मिल जाएंगी आपको प्रभात प्रकाशन में, आप लोग यहाँ पे आके लिख सकते हैं। चलिए दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे टोटल बुक्स हैं यहाँ पे UPSC से IITC। चलिए आपको लेकर चलते हैं फ्रांस की पवेलियन में, जहाँ पे फ्रांस की बुक्स है। चलिए गाइस थोड़ा सा मार लेते हैं चिल और देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं यहाँ भी एक आध बुक्स फ्रांस के इसमें पवेलियन में। पानी वानी पी लीजिए आप लोग। Thank you.
चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। देखिए ये आ गए फ्रांस के चकला बेलन, ये देखिए देखिए इस तरह से यहाँ पे आटा गूंथा जाता है। हमारे इंडिया से बिल्कुल अलग, 10 बर्तनों में तो यहाँ पे ऑयल, कटोरी में तेल, इसमें तेल, और ये पता नहीं क्या क्या डालते हैं। ये देखिए मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर हो रहा है, बाउंसर जा रही है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं आटे में मिलाने के लिए। गाइस पढ़ने का टाइम नहीं है अभी इतना। आटा गूंथने की मशीन ये देखिए, इसमें आटा गूंथने का पूरा प्रोसेस बताया गया है, किस तरीके से कैसे कैसे कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए। ये देखिए चलिए और दिखाते हैं अभी कितने पेज भरे हुए हैं। इसमें पूरे स्टेप वाइज बताया गया है कि किस तरीके से आप देखिए यहाँ पे कट करके यहाँ पे बनाई गई है। ये हमारे यहाँ तो लोई बोलते हैं बट ये लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। और ये देखिए इस तरह से यहाँ पे कट करके चाकू से फिर इसके वो बनाएंगे, उसके बाद रोटियाँ बनेंगी। ये देखिए तो गाइस हमारे यहाँ तो इतने प्रोसेस होते नहीं, तो फटाक परात में लेते हैं और बस पानी से गूंथ डालते हैं। देखिए यहाँ तो इतने सारे पूरी बुक भरी हुई है केवल आटा गूंथने के प्रोसेस से। ये देखिए ब्रेड, सैंडविच वाली ब्रेड है ये। तो गाइज इस रेसिपी का नाम है लॉट। चलिए नाम भी दिखा देते हैं आपको साथ ही साथ, पेन टू फ्रो मेगे, पता नहीं क्या अजीब अजीब सी नाम है गाइज। ये देखिए और इस रेसिपी का नाम है पेन ऊ लेट। गाइस मेरे को तो ना हंसी आ रही है, मतलब रेसिपी के जो रेसिपी हैं इनके नाम भी ना अजीब अजीब से ही है, बिल्कुल इंडियन जो रेसिपी है उनके बिल्कुल अलग है, बट फ्रांस की बिल्कुल रेसिपी अलग है, काफ़ी मिलती जुलती है बट नेम बिल्कुल चेंज। तो गाइस अभी आपने देखा फ्रांस के पवेलियन में मैंने कुछ रेसिपी दिखाई आपको, बुक्स के अंदर कुछ अजीब अजीब सी रेसिपी है। चलिए अब आगे चलते हैं, किसी और पवेलियन में लेकर चलते हैं आपको, कुछ ऊपर का नज़ारा भी दिखा देते हैं थोड़ा बहुत। चलिए लेकर चलती हूँ मैं आपको ऊपर, फर्स्ट फ्लोर पर भी हैं कुछ बुक्स के हैं यहाँ पे हॉल। मिल जाएगी आपको सामान्य एवं व्यापार विज्ञान प्रौद्योगिकी सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये सारी बुक्स इस वाले हॉल में है। पर आइए आप फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे ये है ये हॉल, इसमें अंदर है। चलिए लेकर चलते हैं। ये देखिए इससे रिलेटेड हॉल है, यहाँ भी बहुत सारी पवेलियन है बट मैं हर एक पवेलियन में जाके आप लोगों को बुक्स नहीं दिखाऊंगी। मैं भी बोर हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, मुझे जाना है, निकलना है। तो काफ़ी बुक्स आप लोगों को दिखाई है मैंने आज, और भी दिखाई तो बहुत ज़्यादा ब्लॉग लंबा हो जाएगा। ये देखो
और यहाँ पे देखिए गर्ल्स के लिए मिल जाएंगी स्लीपिंग ब्यूटी। अच्छा इधर देखिए ये छोटी छोटी जो गर्ल्स हैं 10 ईयर की 8 ईयर की 7 ईयर की उनके लिए बड़ी प्यारी सी बुक्स है। देखिए इंटरेस्ट लेंगे दिखाते हैं, चलिए ये देखिए मेरे बेटे वंश की चॉइस के ये डायनासोर मिल गया है यहाँ पे, एंड वो होता तो ज़रूर लेता है इसको बुक को। और ये पूरा इसमें कई बुक्स हैं, ये देखिए 1 2 3 4 करीबन 10 लग रही हैं, 10 हैं, सेट ऑफ 8 बुक्स, सेट ऑफ 8 बुक्स का सेट है पूरा। और इसके प्राइस मेंशन होंगे, दिखाते हैं आपको, तो गाइज ये है 1599। ये देखिए नज़दीक से दिखा देती हूँ बिल्कुल, ये देखिए तो ये 8 बुक्स का जो सेट है ये है 1599। तो देखिए थिंकिंग, अगर आपको पॉजिटिव थिंकिंग की इस टाइप की बुक्स पढ़नी है तो ये भी मिल जाएगी, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो देखिए बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स हैं, और देखिए वास्तु के लिए भी अगर चाहिए, वास्तु की नॉलेज चाहिए तो यहाँ भी है महावास्तु, इस तरह से ये शास्त्री पूरा। देखिए रेट बता देते हैं चलिए आपको, तो प्राइस मेंशन नहीं है, चाणक्य नीति, तो देखिए इसमें पूरी आपको गाथा मिल जाएगी चाणक्य नीति में। यहाँ पे पेन पेंसिल बच्चों की चीज़ें हैं सारी मिलती हैं। जो फर्स्ट फ्लोर पे जो हॉल है वो 3, 4 एंड 5 है, और आप यहाँ पे इस तरह की बुक्स ले सकते हैं। देखिए रिलीजियस बुक मिल जाएंगी, बोलती रामायण, और इस तरह की आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी बुक्स मिल जाएंगी। बहुत सारी पवेलियन है ऊपर यहाँ पे, और हर तरीके की बुक्स अवेलेबल है, जो भी आपके मन में है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जैसी ए टू जेड सारी। तो बस यहाँ पर इस तरह की बात है सब। चलिए तो अब चलते हैं नीचे और एग्जिट करते हैं, अब निकलते हैं बुक फेयर से बाहर। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको, फूड कोर्ट है यहीं पे, खाना पीना एंजॉय डांस मस्ती सब हो रहा है। गाइज वहाँ पे है फूड कोर्ट, देखिए खाना पीना मिलता है वहाँ पे, और यहाँ पे ये डांस फ्लोर इंजॉय करते हैं लोग, स्टार्ट हो गया है वैसे।